नमस्कार, मैं फातिमा निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज इस मुल्क में ये देखने में आ रहा है कि कुछ ताकतें मुल्क के माहौल को बदनाम करने की एक साजिश रचा रहे हैं। मुसलमानों में आपस में लड़ाने के लिए और मुसलमानों में तफरीका पैदा करने की जो साजिश रची जा रही है वो इस मुल्क में सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि जानते हैं आप कि कुछ दिन पहले ब्रदर इमरान जाकिर नायक वक्फ़ के शिया वक्फ़ यूपी के साबिक सदर साबिक चेयरमैन वसीम रजवी जो 26 आयतें जो कुरान की है उसके ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करें, तो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुल्क की अमन और एकजहती को बर्बाद करने के दर पे है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए जिस तरीके से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मराहल में जो साजिशें रची जा रही हैं, कभी मज़हब की आड़ में और कभी सियासी आड़ में, ये जमहूरी मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में कोई भी साजिश रचाने वाले को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जाकिर नायक शहर हैदराबाद में ब्रदर इमरान और शिया सुन्नी के बीच में तफरीका डालने वाले वसीम रजवी, और फिर अब एक और एक नए मौलवी साहब पैदा हो गए, मोहम्मद हफीज़ इस्लामी। यानी जो स्टेटमेंट साहब रोज़नामे सहाफ़त में जो स्टेटमेंट छपा है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रिंट मीडिया होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये ज़रूरी है कि वो ये देख ले कि वो स्टेटमेंट क्या है। और स्टेटमेंट बिना देखे कि कोई भी स्टेटमेंट अगर वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अगर छापता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नशर करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और मुल्क की अमन व एकजहती को जो बिगाड़ने की साजिश है उसका साथ देने के बराबर मैं मानता हूँ। जैसा कि सहाफ़त में न्यूज़ छपी हफीज़ साहब बोलना भी मैं जहाँ तक समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्यों कि एक ऐसा शख्स जो ये अखबार में लिखता है माज़ल्ला हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत नशा में नमाज पढ़ाए, तो ये लिखने वाले को शर्म आनी चाहिए
अगर सुन्नी फिरके से ताल्लुक है तो वो चौथे खलीफा हैं, और अगर शिया फिरके से ताल्लुक है तो इमाम हैं। तो इस किस्म की जो बातें करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो मुसलमानों के जितने भी 72-73 फिरके हैं, जो भी हैं, उन तमाम फिरकों में से किसी भी फिरके से इनका ताल्लुक नहीं है। ना वो मुसलमान हैं, ना इस्लाम को मानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब में यानी बीबी फातिमतु जहरा जो मालिकनी हैं और रसूल की साहबजादी हैं, उनके और उन आले यानी आले नबी के जो खुबूर जन्नतुल बकीर में मिसमार करे, तो ये उन्हीं के समझो आप सिलसिले के हैं कि जो भी बोलेगा। ये आले सऊद का ख़ानदान है मैं ये कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि ये यजीद का ख़ानदान है, और जो यजीद का ख़ानदान होता है वो आले रसूल के भी खिलाफ होता है और अहले बैत के भी खिलाफ होता है और इस्लाम के भी खिलाफ होता है, क्योंकि इस्लाम से मैं जहाँ तक समझता हूँ इनका ताल्लुक है ही नहीं। और जिस तरीके से ISIS के नाम पे, दाइश के नाम पे जो तहरीक चली गल्फ कंट्रीज़ में, बर्बादी हुई, तो कोई मुसलमान मस्जिद में बम तो फोड़ नहीं सकता, कोई मुसलमान तो नहीं फोड़ सकता, और कोई मुसलमान जालिम नहीं हो सकता, और कोई मुसलमान कत्लो गारतगिरी नहीं कर सकता। इसलिए कि मुसलमान कभी भी अमन भाईचारगी का हामिल होता है, इस्लामी तालीमात पर अमल करता है, और इस्लामी तालीमात पर जो भी अमल नहीं करेगा, कुरान के एक जेरो ज़बर में भी अगर गुंजाइश की बात करेगा और कोई आले रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, क्योंकि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, और कुरान एक है, कलमा एक है, चाहे वो 72-73 फिरके जो भी है उनका पूरा कुरान और कलमा एक है। पर जब कुरान और कलमा एक है तो आले रसूल के ताल्लुक से अगर कोई बुरा कहता है और ये कहता है कि नशे की हालत में यानी हज़रत अली नमाज पढ़ाए, तो इससे बड़ा यानी मैं समझता हूँ इससे बड़ा लानती और इससे बड़ा कमज़ोर और इससे बड़ा कमीना शायद दुनिया में कोई हो नहीं सकता, चाहे वो वसीम रजवी हो, चाहे हफीज़ इस्लामी हो, कोई भी हो, क्योंकि हम रसूल की उम्मती हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, रसूल की उम्मती हैं, और रसूल की उम्मती इस तरीके की बात कर नहीं सकता, ना कुरान के ताल्लुक से कर सकता, ना यानी औलादे यानी आले रसूल के ताल्लुक से बात कर सकता, ना सहाबियों के ताल्लुक से बात कर सकता, ना इमाम के ताल्लुक से बात कर सकता, ना खलीफा के ताल्लुक से बात करता, किसी की भी ताल्लुक से बात नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमान बाकी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अब ये देखना है कि जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज़ में, चाहे वो इराक़ हो और सीरिया हो, जहाँ भी हो, जो जो तरीके से समझो आप इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई, यानी हर आदमी ये समझता है कि इस्लाम का दूसरा नाम दहशतगर्दी है, जो बताने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम का दूसरा नाम इस्लामी है, दहशतगर्दी हो नहीं सकता, और दहशतगर्द मुसलमान हो नहीं सकता, जालिम मुसलमान हो नहीं सकता। तो ये जितनी भी ताकतें हैं ये फाशिस्ट ताकतें हैं, और इनका मकसद यानी जहाँ जो भी मुल्क है उसकी बर्बादी का मकसद है, और इसके पीछे
यहूद और नसारा का हाथ है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है। और उसी तरीके की साजिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई यहाँ पर आने के बाद, यानी कांग्रेस की सरकार में आप सुनते थे हैं, सुना ही होगा कि कश्मीर का क्या हाल था। हर रोज़ कोई ना कोई मरता था, कहीं बम धमाके होते थे, कहीं यानी लोगों की जाने जाती थी, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, मुख्तलिफ चलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यानी आप आज कश्मीर का हाल देखिए, कि कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, नहीं के बराबर होगा, ख़त्म भी है। उसी तरीके से कश्मीर के अलावा, चाहे वो हैदराबाद हो बम धमाके हुए, चाहे आपके बेंगलुरु हो वहाँ हुए, अहमदाबाद हुए, दिल्ली हुए, मुंबई हुए, हर जगह हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना दहशतगर्द को बर्दाश्त कर सकती है, ना इस्लाम के नाम पर जो साजिश, यानी नाम इस्लाम का है लेकिन साजिश दूसरी है, और ऐसे साजिश करने वालों को बख्शने का हिंदुस्तान की हुकूमत सवाल ही पैदा नहीं होता, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की हुकूमत के अलावा रियासती हुकूमतों पर भी है, क्योंकि ये चीज़ पनपने नहीं देना चाहिए। अगर ये चीज़ पनपती है तो दूसरा ISIS यहाँ पर पैदा होगा, दूसरा दाइश यहाँ पर पैदा होगा, हिजबुल मुजाहिदीन यहाँ पर पैदा होगा, यहाँ पर सब पैदा होंगे अगर ये साजिश को पनपना दिया जाए। यहाँ के जो मुसलमान हैं, यानी अकीदे के सच्चे और पक्के हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, और जो सूफीज़म के रास्ते पे चलते हैं, जो सूफीज़म के रास्ते पे चलते हैं, वो कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये इसके ख़िलाफ़ हो रहा है। जैसा कि आप देखे हैं कि हिंदुस्तान में दरगाह पे जाना शिर्क, और आपके फातिहा देना शिर्क, तो ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज़ की जो तहजीब थी, जो यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, वो कभी भी लागू नहीं, जो लागू करने की कोशिश किया था आपके जाकिर नायक, आज कहाँ है वो? आज हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा? वो हिंदुस्तान आ नहीं सकता, हिंदुस्तान आएगा तो फिर कैद से बाहर नहीं निकल सकता वो। तो उसी इन्हें उसी लाइन के ये लोग हैं, चाहे वह हफीज इस्लामी हो, और एक दूसरा पैदा होगा, और एक दूसरा भी पैदा होगा, इन्हें उसको शौक होगा, हर रोज़ एक वीडियो बनती उसकी, उसका नाम है इलियास शरफुद्दीन, इन्हें हर रोज़ एक वीडियो, कभी शिया को गाली, सूफी को भी गाली है, यानी सुन्नियों में जो सूफी है उनको भी गाली है, दरगाह कुछ नहीं है उसकी नज़र में, फातिहा कुछ नहीं है उसकी नज़र में, और हद ये हो गई कि तू हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान का रहने वाला होकर ये कहता है, ये अहले हनूत यानी हिंदू के भी खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ, तो तेरे को क्या हक पहुँचता है? यानी इस्लाम में और कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान ये कहता है कि जिसका जिसका मज़हब उसके साथ, और हम दूसरे मज़ाहब के खिलाफ ना बोलें और उसका एहतराम करें, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद ये एक इलियास शरफुद्दीन की भी साजिश चल रही है हिंदुस्तानी, कि दूसरा हफीज़ इस्लामी वो भी हिंदुस्तानी, और एक बिगड़ा हुआ वसीम रज़वी, यानी बैकडोर से समझो आप, यानी खाती कसूरवार वक्फ प्रॉपर्टियों की बर्बादी करने वाला, उसकी तबाही करने वाला, वो भी कुरान के ताल्लुक से यानी बोलने की उसके पास भी हिम्मत हो गई। तो ये जो चीज़ें चल रहे हैं, देश के हर मुसलमान का फरीदा है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान का फरीदा है कि इसके खिलाफ उठकर खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो मुमकिन है ये इराक बन जाए, मुमकिन है ये सीरिया बन जाए, मुमकिन है ये पाकिस्तान बन जाए, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये आज कांग्रेस का राज नहीं है जो हर चीज़ की आज़ादी हो जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों को कुचलना अच्छी तरीके से जानती है, और जो भी ये करेगा उसको कुचलना यहाँ की हुकूमत अच्छा जानती है। और उसी तरीके से जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है उनका भी काम है, क्योंकि इन लोगों को अगर हम ज़रा भी छूट देंगे तो ये यूँ समझिए कि इस्लाम के लिए नुकसानदेह है, यानी महल्ले के लिए नुकसानदेह है, शहर के लिए नुकसानदेह है, देश के लिए नुकसानदेह है। और जब तक, और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ समझो आप सरकार की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। क्योंकि अगर ये शिया के ख़िलाफ़ बोलता है तो सुन्नी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये हिंदू के ख़िलाफ़ बोलता है तो मुसलमान खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ यानी कुरान के ताल्लुक से बोलता है तो हमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक होना पड़ेगा, और एक होकर आप जब सामने आएंगे तो हुकूमत भी आपके साथ है, चाहे वो रियासत की हो चाहे सेंटर की हो, क्योंकि ना रियासत की हुकूमत चाहेगी अमन धर्म भरम हो, ना मरकज़ की हुकूमत चाहेगी। तो इसके लिए मुसलमानों का भी अव्वलीन फरीज़ा है कि वो एक आवाज़ होकर और एक साथ जुड़कर, चाहे वो जितने भी फिरके हों, मुसलमानों के जितने भी फिरके हों, उनको एक साथ होना पड़ेगा। और जब तक वो एक साथ नहीं होंगे, ये ऐसे लानतियों को हम सबक नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये जो चीज़ चल रही है ये आपके आपके और हमारे तक पहुंच रही है, ये शायद हुकूमत तक भी नहीं जा रही है, चाहे वो रियासत की हो या मरकज़ की हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें, प्रिंट मीडिया का भी बड़ा रोल रहेगा, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो हों, तो सबका ये रोल अगर समझो आप एक हिसाब से अगर चलेगा और ये मंजर यहाँ पर आएगा तो हुकूमत बराबर एक्शन लेगी और ऐसे ताकतों को पनपने नहीं देगी जैसा कि जाकिर नायक का आया, यानी पूरा मीडिया में आया, सबके सामने आया, तो कहाँ है आज उसका हाशर? क्योंकि वैसे आदमी को यानी देश में आने देने का सवाल नहीं है, अगर देश में आता है तो जेल में रहने का है, बाहर तो रहने का सवाल नहीं। तो इसीलिए तो ये जो चीज़ें चल रहे हैं, यानी देखिए आप, कोई मुसलमान क्या हज़रत अली नशे में है रहकर नमाज पढ़ सकते बोल सकता? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। कोई भी मुसलमान, मुसलमानों का कोई भी फिरका नहीं बोल सकता। फिर आप कोई मुसलमान कुरान के ज़ेर व ज़बर में भी यानी फ़र्क लाने की बात कर सकता? नहीं कर सकता। अगर मुसलमान है तो वही कर सकता जो मुसलमान नहीं है, बल्कि किसी यहूदी या जो भी ताकतें हैं, क्रिश्चियनिटी जो भी ताकतें हैं, उनके समझो बहकावे में, यानी उनके समझो यानी बैकअप से चीज़ें हो रही है। तो उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर मुकाबला करना पड़ेगा। और मुसलमानों का, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, मुसलमानों का ये फरीदा है, आज आप इन्हें मामूली सी चीज़ों पे सब उठ के खड़े रह रहे हैं, हर मुसलमान उठ के खड़े रहता है मामूली सी चीज़ों पे, अरे ये होगा, अरे उन्हें एक कार्टून बना दिया रसूल का, अरे एक फिल्म बना दिया, ये क्या हो रहा, ये क्या है? अरे वो तो कार्टून है, उससे बड़ा है ये मसला। अगर ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम सबक सिखाने नहीं निकलेंगे तो बहुत आइंदा हालात ख़राब होंगे, देश का अमन धर्म भरम होगा। क्योंकि ये किसी के नहीं है, ये ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ना समझो हिंदू के हैं, किसी के नहीं है। ये इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान का जो अमन और सुकून है वो धर्म भरम करें। ये बात यकीन से आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया में अगर मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी किसी देश में है तो वो मुसलमान है, हिंदुस्तान है। और सारे दुनिया में अगर मजहबी तखारीब हो या मजहबी जो भी रसूमात हों
जिस तरीके से हिंदुस्तान में आज़ादी है किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। हत्ता है कि इस्लामी ममालिक, चाहे वो सऊदी हो, गल्फ कंट्रीज हो, कई पाबंदियाँ हैं, यानी मुसलमानों पर कई पाबंदियाँ हैं। तो यानी हिंदुस्तान जो है मुसलमानों के लिए एक समझो आप यानी यूँ बोल सकते हैं कि जन्नत के बराबर है, जन्नत के बराबर है। यहाँ पर मुसलमान जितना सुकून और जितना यानी उनकी सेफ्टी है शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। आप जाइए पाकिस्तान में, मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं, या सिर्फ आप मस्जिद के सामने बैंड नहीं बजा सकते, आप मस्जिद के सामने बैंड नहीं बजा सकते और वहाँ पर मस्जिद में बम फूटते हैं। अब आप जो दाइश का जो काम था वो देखें आप, यानी कोई इस्लामी यानी इस्लाम को मानने वाला कोई मुसलमान क्या यानी औरतों के साथ बलात्कार कर सकता और उसको समझो कैदी बना के रख सकता? नहीं रख सकता, रख नहीं सकता। तो उन लोग क्या करें औरतों के साथ? पूरे वीडियो क्लिप्स आप लोग देखे, हम भी देखे, सब देखे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके लिए इलियास शरफुद्दीन जैसे आदमियों को, हफीज़ इस्लामी जैसे लोगों के लिए, वसीम अब्बास जैसे लोगों के लिए, वसीम रजी जैसे लोगों के लिए और ब्रदर इमरान, जाकिर नायक और ऐसे कई हैं, यानी धीरे धीरे और कई ऐसे नाम आएंगे सामने। तो इनके खिलाफ एकजुट होंगे। आतंकवाद तो इस देश से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक नया रास्ता निकला। यानी जैसे आतंकवाद ख़त्म हुआ तो एक नए रास्ते से इन लोग दाखिल हो रहे हैं। तो ये नया रास्ता यानी आतंकवाद का दूसरा रूप है, ये आतंकवाद का दूसरा रूप है। यानी यूँ समझिए कि दाइश का दूसरा रूप है, हिजबुल मुजाहिदीन का दूसरा रूप है, ये सब दूसरा रूप आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यानी वो आसान काम नहीं है। जब आतंकवादियों को जड़ हम काट सकते हैं तो ये लोगों की जड़ काटना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी मीडिया का भी है और हर मुसलमान यानी यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक हर मुसलमान का फरीदा है। बस मैं इसी के साथ आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने कवरेज किया, और मैं चाहता हूँ कि मीडिया मेरे अलावा भी यानी और भी दीगर मुस्लिम रहनुमा है, क्योंकि मैं तो एक सियासी आदमी हूँ, लेकिन मुस्लिम रहनुमा है, मुस्लिम आलिम है, चाहे वो किसी भी फिरके के हो, चाहे सुन्नी हो, शिया हो और दूसरे फिरके हैं, मैदेविया फिरका है, भौरों का फिरका है, आपके आगा खाने वाले, ये तमाम लोगों से इन्हें आप इसका लेकर इसको भी समझो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इन्हें मंजर यहाँ पर लाना चाहिए, ताकि ये जो ताकतें जो साजिश रचाने की कोशिश कर रहे हैं उसका खात्मा हो। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।